हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल है? चेक करो अपने नीले कबूतर, बहुत सोहनी उडान देंदे आ जी। हाँ, थोड़ा जिहा नीलिया की मैस चाह, जिहड़ा चिट्टे जिहे सिर वाला, बाकी अपने कोल नीली जोड़ी आ जी, कल्ले नीले ही कढ़दे आ, कल्ले नीले, होर इन्हां ने हुण तक बच्चा नहीं कढ़िया कोई, ना चिट्टा ना रोजा ना कोई होर, सिर्फ नीले। एक थोड़े ना गल शेयर करनी सी, सत श्री अकाल जी सारे वीरां नूं, एक थोड़े ना डोंटर प्लस की गल सांझी करनी सी। डोंटर प्लस आए हाँ भी, जदों तुसीं वीडियो भी बनाई पई है मेरे कोले, ते उह गोलियां ऐ लाउणियां भी घट्टो घट भी एक गोली डोंटर प्लस की 100 कूत नूं लगदी आ, अद्धी पजामा नूं लगेगी, चौथा हिस्सा पच्चियां नूं लगेगा। कई वीर कबूतरबाज वीर ना सियालो सियाल मेहनत बहुत करते, जिवें आ बच्चे हुण आपां पूरे तगड़े कर ले, सैट कर ले सियालो साल, इन्हां नूं खुराक पाती सारा कुछ करता, ते टाइम ते जमा जदों महीना रह जांदा उदों आपां दवाई लाउंदे हुंदे ना, कोई 2 महीने पहलां ला दिंदा, कोई महीना पहलां लाउंदा, कोई 15 दिन, आपदा आपदा हिसाब आ बंदिआं दा ना, भी चलो आपां सारा सियाल सांभ के इन्हां नूं सैट करके, मुड़ के जदों दवाई लाउण दा टाइम हुंदा तां गलत दवाई ला के, तो तुसीं आपदी सियालां दी जिन्नी भी मतलब थोड़े सांभ की हुंदी आ, तुसीं टाइम दित्ता हुंदा कबूतरां नूं, क्योंकि जदों तुसीं गलत दवाई लाती उन्हें कबूतर नूं जमा ही खत्म कर देना, खत्म मीनस सुक जांदे कबूतर उड्डण वाले, आपां उन्हां नूं दुबारा राजी करदे आ, तो जो सियालां की खुराक पाई हुंदी उह तां खत्म होगी ना, बीमार हो गए कबूतर ने दुबारा तंदुरुस्त होना उह गल नहीं रहिंदी कबूतर च। सो दवाई लाउंदा थोड़ा मैं तरीका दसदा वा, सुनो सब दी करो मर्जी, मैं पहलां वी कहिंदा बाकी थोड़ू ज़्यादा पता है ना, भी जी असी दवाई लाने ऐ लाने भी 100 कबूतर नूं एक गोली लगती, वीरे 100 कबूतर नूं एक गोली लगेगी, गर्म पानी दे विच उह हैगी आ गोली घोलनी, फुल गर्म पानी दे विच, तत्ते अद्धी कप्पी तत्ता पानी कर लेना, बाकी ठंडा होना चाहिए आपां नॉर्मल निग्घा जिहा जिवें कह दिंदे आ, ते जिहड़ी कल्ली गोली घोलनी आ अद्धी कप्पी पूरा वाला दवा के उहदे विच गोली सुट देनी आ, ते उह ना जिहड़ियां निक्के निक्के दाणे हुंदे बरीक छिड्डियां जिहियां बन जांदियां, उह फिर हेठले जदों हेठां रहि जांदी दवाई उह मगरले कबूतरां नूं खराब कर दिंदी आ, तो जो तुम गर्म पानी के घोलोगे उन्होंने फुल, तो जमा इक्वल जमा बराबर की गोली घुल जू, जिमें कच्ची लस्सी होंगी है ना, तो उदा दवाई घुल जूगी वह, तो जिमें मर्जी आराम ना पहले कबूतर लैके लास्ट तक लाओगे तो वह गोली थोड़ा नुकसान नहीं करनी हैगी, मतलब 100 कबूतर एक गोली लानी है, तो जो आप गाढ़ी दवाई या बिना दिमाग ने एवं 40 लाती 35 लाती 25 लाती वो अंदर जाके इन्होंने लीवर से खाण पीन से जो सुकन लग जाते कबूतर अंदरों सारा कुछ ही चक दें गोली, क्योंकि एक साल की जहर आ गर्म होंगी गोली, ठीक है जी। एक आए कई वीर कहते धुप्पे लानी चाहिए, कई छावे लानी चाहिए आ, हुण जहर आ बई धुप्पे खा लो या छावे खा लो, जो अंदर गई उन्हें तो कम कर देना आप, ठीक है नी, दवाई छावे लाया करो, धुप्पे लाने की लड़ नहीं, एक तो दवाई बहुत गर्म होंगी, एक समा उदो गर्मी वाला आने वाला हुंदा वा, तो मेरे हिसाब नाल धुप्पे दवाई नहीं लानी चाहिए, असं नहीं लाते वीरे, 100 नूं एक गोली छावे लानी है, ठीक है, बाकी जिवें लानी आ बनानी आ तरीका वा, 40 ml तो घट पानी नहीं देना, जे 10 कबूतरां नूं 25 नूं लानी आ तो 25 बार थोड़ा 40 ml दियाँ 25 नलकियां होनी चाहिए, 40 ml, कई 40 ml ना होंगे भी कबूतर खुल के पानी पूनी खिंच लेंदा वा, ठीक है नहीं, 40 ml तो घट आपां पानी नहीं देना गोली वाला, 10 नूं लाउणी है तो 10 नलकियां 40 ml दियाँ होनी चाहिए, ठीक है जी, तो बराबर जिन्नी वारी लाउणी है हिला के लाई चलो, आही तरीका, बाकी तुहानूं लास्ट वीडियो सेंड कर देना जिवें गोली घोलनी है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी सारे वीरां नूं, जिवें कि अज्ज आपां गल करदे पए आं डोंटर प्लस गोली की, ठीक है जी, जिहड़ी डोंटर प्लस गोली आ भी आपां तां हुण मान लो ते 25 बच्चे आ जिन्हां नूं लाउणी आ, ते आपां तां चौथा हिस्सा लाउणा जी दवाई दा, ठीक है जी, आ पानी फुल गर्म आ जिहनूं कह दईए वी पूरा ही तत्ता वा, तुसीं इदूं वी ज़्यादा तत्ता लैणा वा, ते इहदे च गोली वेखिओ वी जिहड़ी गोली आ उह छेती खुर जूगी, ते जिहड़ियां छिड्डियां ही आ नहीं छड्डदे हुंदे छिड्डियां ही आ, उह छिड्डियां नहीं छड्डदी गोली, ठीक है जी, ते 2 मिंट च जाने कि गोली खुर जानी है, जमा कच्ची लस्सी वांगू बन जूगी, ठीक है जी, हाँ देखो ये कोई छिड्डी नहीं बननी, सिर्फ नॉर्मल बनूगी, क्योंकि गर्म पानी है, इन्हें कोई छिड्डी छुड्डी नहीं रहन देनी गी, जमा खोर देनी है, तो पहले कबूतर तो लैके एंड वाले कबूतर तक सेम डोज च दवाई लगेगी, ठीक है जी, आ थोड़ी जी गोली रह गई देख लोगे भी ये किसी प्रकार की कोई छिड्डी नहीं होगी, हाँ देखो जी कच्ची जी लस्सी वांगू बन जूगा, तो मतलब कोई छिड्डी नहीं रहनी, पहली नलकी तो लैके एंड वाली नलकी तक, ये एक होर रीज़न आ भी जो भी दवाई लानी आ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, 10 ਕਬੂਤਰ ਆ ਅਤੇ 10 ਨਾਲ ਕੀ 40-40 ml ਦੀਆਂ ਫੋਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? 10 ਨਲਕਿਆਂ 40, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ 40 ml ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕਈ 20-20 ml ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡੋਜ਼ ਬਣਾਈ, ਵੀ 100 ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਪਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ml ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 40-40 ml ਦੀਆਂ 25 ਨਲਕੀਆਂ ਪਾਊਂਗਾ, 40-40 ml ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ 40 ml ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਵਾਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਨਲਕੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਨਲਕੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਡੋਂਟਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਘੋਲਣੀ ਆ ਗੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲਣਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਛਿੱਡੀ ਛੁੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਜੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਦਵਾਈ ਸਰਿੰਜ ਭਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰਿੰਜ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦਾ 40 ml ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।